हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एमसीक्यू सीरीज में एमसीक्यू सीरीज नंबर 60 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, द मुंडा लैंग्वेज ग्रुप बिलोंग्स टू विच फैमिली। जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे ऑस्ट्रेस्टिक, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलियो एशियाटिक, या द्रविडियन, साइनो टिबेटन, या इंडो यूरोपियन। तो जो मुंडा है वो ट्राइबल एरिया में बोला जाता, ट्राइबल्स के द्वारा बोला जाने वाला भाषा है। तो सेम क्लास के, जो सेम फैमिली के भाषा होते हैं, उसमें बहुत सारे सिमिलरिटी होते हैं। जैसे आप हिंदी को देखो, मराठी को देखो, या फिर गुजराती को देखो, डिफरेंस होने के बावजूद भी बहुत सारी सिमिलरिटी उसमें पाया जाएगा। तो ये जो है मुंडा लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रिक फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि ऑस्ट्रियो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। Which among the following struggles based on Gandhi's philosophy of satyagraha involved the industrial working class? देखो, गांधी जी इंडिया में 1915 में आए, तो 1915 में आए, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के recommendations पे उन्होंने कहा कि जिस भारत को सर्व करना चाहते हो पहले उसको देखो। तो जब उस चीजों को, इंडिया को ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने पाया कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। मेजोरिटी जो प्रॉब्लम है वो किसान के प्रॉब्लम है, और मजदूर क्लास के, लोअर क्लासेस के लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें जो डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं, भूमिका अदा करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये जो देखोगे, चंपारण, खेड़ा और बारदोली, ये किसान से संबंधित मूवमेंट थे। और ये अहमदाबाद, जो आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें, अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक था उसमें से जो था इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए गांधी जी ने फाइट किया। और इंडिया में गांधी जी का फर्स्ट जो फास्ट ऑन टू डेथ जो है, गांधी जी बहुत फास्टिंग किए, लेकिन ये फर्स्ट फास्ट जो था वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के लिए किया था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। Next, the oldest mountain in India according to geographical history. देखो, different time पे different mountains India में बने। जैसे हिमालय जो है उसको एक न्यू माउंटेन कहा जाता है, कि अभी हिमालय जो है इवॉल्व हो रहा है, लेकिन अरावली जो है इसमें से सबसे पुराना है। और कहा जाता है कि अरावली एक टाइम में बहुत ऊंचा हुआ करता था, लेकिन अब ग्रेजुअली विद टाइम पासेस जो है वो अपना स्टेबल होते के साथ साथ वो नीचे होता गया। तो इसका डी आंसर। नेक्स्ट, कॉर्निस इन मेडाइवल हिस्ट्री रेफर्स टू। तो ये है अ काइंड ऑफ सैल्यूटेशन, यानी कि जो किंग होते थे, तो कोई भी दरबार में जब जाएगा तो किंग को, यानी बादशाह जो है, उनका रिस्पेक्ट करना होता था। तो इसके अंतर्गत क्या करता था कि जो भी दरबारी हैं, कोर्टियर हैं, सब लोग तो ऐसे ही अचानक कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन जो जनरली कोर्टियर्स हैं, दरबारी हैं, वो जाएंगे बादशाह के पास। तो वो अपना जो पाम है, हाथ है, वो अपने ललाट पे, फोरहेड पे रखेंगे, और बादशाह के सामने झुक करके उन्हें सलाम करेंगे। तो ये था। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच इनेबल्स। देखो, ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल जो होता है आइदर जो मोनेट्री टर्म में होगा, जैसे आपका डॉलर, रूपी एक्सेट्रा, और या मशीनरी कह सकते हो। और जो ह्यूमन कैपिटल होता है, जैसे एक आदमी पढ़ा लिखा है, मान के चलो कि मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, तो ये ह्यूमन कैपिटल है। हमारे अंदर पढ़ाने की जो क्षमता है वो स्किल हमने एक्वायर किया। तो ये ह्यूमन कैपिटल जो है वो आपका संबंधित है, देखो, फर्स्ट इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, कह रहा है कि इन द प्रोसेस इनेबल। ये जो इनेबल क्या करता है, एक्यूमुलेट मोर कैपिटल नहीं, ह्यूमन कैपिटल मोर कैपिटल को एक्यूमुलेट करने पे नहीं, वो आपका जो है, जो फिजिकल एसेट्स और जो मॉनेटरी है वो के लिए, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, इंक्रीजिंग नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। हाँ, ठीक है, ये आप स्किल डेवलप करोगे, कोई भी पर्सन है उसने किसी चीज को सीखा वो करने के लिए, तो वो ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट है, एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, नहीं, टेंजिबल वेल्थ फिर फिजिकल एसेट्स में आ जाएगा। जैसे ये फिजिकल एसेट्स में आ गया, ये भी फिजिकल एसेट्स में। टेंजिबल का मतलब है जैसे एक टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, और एक बिल्डिंग आपने, तो वो नहीं, वो आपका टेंजिबल जो ह्यूमन स्किल्स है वो टेंजिबल एसेट नहीं है। नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, हाँ, ये इनटेंजिबल, जैसे एक कोई आदमी डॉक्टरेट है, पीएचडी किया हुआ है, तो वो दिखेगा नहीं ना कि इसके पास 15 डिग्री है, उसके सर पे लिखा नहीं रहेगा, तो वो है इनटेंजिबल वेल्थ है। तो इसका 2 and 4 हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट, CO 1148 इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ।
तो ये जो है गन्ना का सुगर केन का एक वैरायटी है हाई प्रोडक्टिविटी के लिए। देखोगे इनफैक्ट जैसे सबसे अधिक गन्ना और सबसे अधिक सुगर का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन जो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है साउथ इंडिया की तरफ मूव करता जा रहा है। महाराष्ट्र लीडर है उधर, और महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक में भी काफी मात्रा में उगाया जा रहा है। तो इसका CO 1148 जो है वो सुगर केन का प्रकार है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस, भीमबेटका, बादामी, खजुराहो। तो इसमें से कह रहा है कि एट विच ऑफ द एवो प्लेसेस आर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग फाउंड। तो प्री हिस्टोरिक यानी हमने कल के ये में बताया था कि जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री पीरियड इस वजह से कहते हैं जहां से राइटिंग स्टार्ट होता है। तो जो प्री हिस्टोरिक है वो यानी कि राइटिंग वहां तब प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ था, तो लेकिन उसमें भी पेंटिंग कहाँ प्राप्त हुआ है प्री हिस्टोरिक टाइम का, ये भीमबेटका में प्राप्त हुआ है। तो ओनली वन में होगा। खजुराहो और ये सब बादामी है, ये हाल की ये घटनाएं हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ वन ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एनिमल्स हैज और हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट, देखो नॉर्मली ह्यूमन बींग्स वगैरह में फोर चैम्बर्ड होते हैं, तो इसमें थ्री चैम्बर्ड में हो जाएगा एम्फीविया एंड रेप्टिलिया, यानी कि जो उभयचर है जैसे मेढक और रेप्टिलिया सरीसृप जैसे गिरगिट वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं छिपकली गिरगिट इस टाइप के जो चीजें होती है, तो ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, बट इन कैंसर सेल, कैंसर में देखो क्या होता है कि अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ हो जाता है जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि सेल जो किसी एरिया में नॉर्मली कंट्रोल वे में ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा होता है तो ग्रेजुअली वो ग्रोथ करता है, तो लेकिन जो किसी जगह पे अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो उसी को हम कैंसर कहते हैं। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपका है, हो जाएगा देयर इज ए ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। यानी कि किसी जो क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है और उसमें ट्यूमर बनने लगता है, और वही ट्यूमर जो है बढ़ करके कैंसर में डेवलप हो जाता है। तो ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल फेसिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड हाइपरटेंशन। देखो नॉर्मली जो होता है कि कोलेस्ट्रॉल का मात्रा जो होता है कम लेना चाहिए, जैसे 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 खास करके एज वगैरह बढ़ते जाता है तो जो पीपल फैट हैं या फिर जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम यानी हार्ट डिजीज है या फिर हाइपरटेंशन वगैरह है, तो उनको जो है प्रोटीन्स जो हैं खास करके फैट्स वगैरह हैं तो वो कम लेना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि गुड कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें से देखो ये जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन ये तीनों जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड्स ये कम से कम कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, और इसका PDF जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।